नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ी हुई। अगर आप एक कार कैरियर ट्रेलर लेना चाहते हैं तो आपके पास कितना बजट होना चाहिए और कितना उसके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा और क्या किस्त रहेगी, इस बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक कार कैरियर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम ये लगा लो कि आपको 50 से 60 लाख के बीच में पड़ेगा। अगर घोड़े की कीमत की बात की जाए तो घोड़े की कीमत रहती है 32 से 35 लाख अप्रोक्स, और ट्रॉली की बात की जाए तो ट्रॉली रहती है 18-20 लाख रुपए की। अगर आप दोनों नए लेते हो तो आपको ये 50-55 लाख रुपए का पड़ेगा और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट का खर्चा भी उठाना पड़ेगा, तो लगभग इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो ये 60 लाख हो जाती है। अगर आप इसको फुल्ली फाइनेंस कराते हो तो लगभग 1 लाख से 1 लाख 10 हज़ार के बीच आपकी किस्त रहेगी 5 साल की, और आपको डॉक्यूमेंट का ही खर्चा उठाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट आपके 5 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट किस्त आपको अपने जेब से देनी पड़ेगी क्योंकि तब तक आपके डॉक्यूमेंट नहीं आए होंगे। तो अगर आपने दोनों चीज़ नहीं ली और आपने खर्चा उठाया तो महीने की आपकी 1 लाख से 1 लाख 10 हज़ार 15 लाख के बीच की किस्त बनेगी। उस किस्त को उठाने के लिए भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाहिए कि आप कहाँ से लोड करोगे। अगर आप मारुति के वेंडर हो, आपके पास अच्छी खासी फ्लीट है, अच्छी फैसिलिटी है, तो आपको मारुति अपना वेंडर बना सकती है। उसके लिए आपको दोनों सभी उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। मारुति की एक अच्छी खासी क्वालिटी चाहिए मारुति को, मारुति में एक अच्छा खासा काम चाहिए। तो अगर आप न्यू कमर हैं तो आपको, अगर आप 5 गाड़ी डालते हो तो महिंद्रा जैसी कंपनी आपको अपनी बिल्टी दे देती है और इससे आपका काम आसानी से चल सकता है। इसके साथ TCI है, टोयोटा वगैरह साथ में आपको मिल जाएंगे, तो आपका ये लगा लो कि एक सर्कल बन जाएगा और रूटीन आ जाएगी। तो उसके लिए आपको 5 गाड़ियाँ डालनी पड़ेगी। अगर आप सिंगल गाड़ी वाले हो तो आपके लिए दूसरे की बिल्टी पर ही आपको चलना पड़ेगा। तो पहली तो बात आ जाती है कि आपने नई गाड़ी ली और नई गाड़ी पे आप इतने लाख की किस्त, फिर उसमें आपका हर साल का एक खर्चा ही आ जाता है कि रोड टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह आ जाते हैं, 1 लाख रुपये उसकी कीमत आ जाती है, और भी ड्राइवर खर्चे को निकाल के, डीजल वगैरह को निकाल के 1 लाख रुपये की किस्त निकालना एक नॉर्मल आदमी के लिए संभव नहीं है। तो उसके लिए आपको हम दूसरे फार्मूले पर बताते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि घोड़ा नया ले लिया और ट्राली पुरानी ले ली। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपने ट्रॉली 7-8 लाख रुपए की सेकंड हैंड ली, आप उसको 5-6 साल चला के 5 लाख रुपए की बेच सकते हो, उसकी कीमत में गिरावट कम आती है। तो आपने घोड़ा ले लिया नया तो फुल्ली फाइनेंस करा लिया तो उसकी किस्त लगभग 50-55 हज़ार रुपये बनेगी, और आपने ट्रॉली कैश में खरीद ली 7-8 लाख रुपए दे के और कुछ डॉक्यूमेंट खर्च की बात कर ले तो 4-5 लाख रुपए वो लग गया। आप 12 लाख रुपए लगा के इस लाइन में इन्वेस्ट करके आप ये लगा लो कि अपनी किस्त भी निकाल लोगे और कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। तो उसके लिए आपको, अगर एक पर्सनल बिल्टी चाहते हो तो आपके पास कम से कम महिंद्रा की बिल्टी के लिए 5 गाड़ियाँ होना ज़रूरी है। 5 गाड़ियों के बाद आपको बिल्टी प्रोवाइड करा दी जाती है, उसके बाद आपका काम ठीक ठाक चलने लगता है। लेकिन एक बात की जाए कि चलो हमने गाड़ियाँ भी ले ली, 1 महीने बाद हमारी ऑन रोड भी आ गई, तो उस पेमेंट आने तक का भी प्रोसेस लंबा होता है। पहले गाड़ियाँ लोड होंगी, अनलोड होंगी, फिर उसके बाद बिलिंग होगी, और बिलिंग के बाद भी ये लगा लो कि 1 महीने बाद पेमेंट आएगी। तो उस चक्कर के लिए भी आपको कम से कम 2 महीने तक का खर्चा आपके पास होना चाहिए। कम से कम बात की जाए तो 2-2.5 लाख रुपए एक गाड़ी पे आपकी जेब में होगा तो ही आप गाड़ी चला सकते हो, वरना नहीं चला सकते। तो सेकंड ऑप्शन तो ये आ जाता है कि आप घोड़ा नया ले लो, ट्रॉली पुरानी, और उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा। और फिर एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप दोनों चीज़ पुरानी लो, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहने वाला नहीं है क्योंकि दोनों ही मेंटेनेंस मांगेंगे, और आपको हो सकता है कि ये लगा लो कि 12-15 लाख में घोड़ा मिल जाएगा, 8-10 लाख में ट्रॉली मिल जाएगी। लगभग 25 लाख इन्वेस्ट करके अगर आपके पास 25 लाख है तो आप एक पुराना तामझाम भी जोड़ सकते हो। तो आप पुराना सेटअप जोड़ोगे, अगर आपके पास पैसा है नहीं तो फिर आप फाइनेंस करा सकते हो। फाइनेंस कराने के बाद उसकी किस्त भी थोड़ी कम रहती है लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें रोज़ कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट लाइन में जाना चाहते हो तो आपको इनकी बेसिक बातों का ज़रूर पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट लाइन में ये नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे खर्चे आ जाते हैं कि जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते और आपने सोचा भी नहीं होता, और अगर आपके पास पीछे बैंक बैलेंस नहीं है तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर आपकी गाड़ी किस्तों में है तो किस्त वाले उठा ले जाएंगे, आप टाइम से किस्त पे नहीं कर पाओगे।
तो ट्रांसपोर्ट लाइन में जाने के लिए अगर आपके पास साइड इनकम है तो आप इसमें आ सकते हो। 5 साल बाद आपकी किस्तें पूरी हो जाएंगी, आपके पास ये लगा लो 25-30 लाख रुपए, मिनिमम से मिनिमम 25-30 लाख रुपए के गोडाउन ट्रॉली हो जाते हैं। 5 साल बाद आप उनको बेच सकते हो या उनसे जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने पास रख सकते हो। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? आगे भी ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।